So, hey guys, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं खतरनाक मीम्स, जिन्हें देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक लड़का है, उसको ना तीन लड़कियां पसंद है। अब उसे अजमान है कि उन तीनों में से किससे शादी करे। तो उसने क्या करा, तीनों लड़कियों को 2,000 रुपए दिए। पहली लड़की ने 2,000 रुपए का मेकअप खरीद लिया, दूसरी लड़की ने 2,000 रुपए का खाना खा लिया, तीसरी लड़की ने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करे, उनको बनाया 4,000। फिर लड़के को वो 2,000 रुपए वापस कर दिए। ना 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 बड़े भाई, ये बहुत इम्पोसिबल सी बात बोल दी तुमने। लड़की पैसे वापस कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जब तुम पे ज्यादा पैसा रहो तो सड़क पर बैठे भिखारी को खाना खिला देना, लेकिन कभी किसी लड़की को उधार मत देना भाई। वो पैसे लेते टाइम तो तुम्हें 10 बातें बोल के इमोशनल कर देगी, तुम हो भी जाओगे, लेकिन जब पैसे वापस मांगने की बारी आएगी 9-2-11 हो जाएगी फरार। तो बता कि लड़का किससे शादी करेगा? उसी से करेगा ना जिसने 2,000 वापसी करे। नहीं नहीं, जिसके बड़े हैं। भाई आधे लोंडे तो बड़े और रशियन के पीछे पागल है, आधे का सारे भाई गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। लेकिन एक मिनट, 2,000 2,000 2,000 6,000 हो गए, ये कैलकुलेशन में इनने बहुत सोच समझ के बैठाई है। हरामी दोस्त, दादाजी मर गए। अरे यार ठीक है हूँ भाई, अब क्या भाई, मैं सुना भाई तेरा दादाजी मर गए। बुरा लगा भाई सुन के। अरे यार अच्छा दोस्त भाई, ये तो हरामी दोस्त क्यों लिख रखा? अब तो तू गंजा हो जाएगा। हाँ होना ही पड़ता है हमारे यहाँ पे तो भाई। तो मैं कह रहा हूँ अब गंजा हो ही जाएगा, जो उसके बाद जो तेरे पे हेयर ड्रायर है वो मेरे को दे दे, मेरा खराब हो गया। अरे साले हरामी मानुस, लाइट भाग के बता इसकी बात सुन के। तो मनीष हर चीज मजाक नहीं होती मादर। भाई यार अब क्या ही करेगा हेयर ड्रायर का, दे दे मनीष मादर। भाई 4-5 गाली और बाकी से, पता कितना हरामी है यार, उसे अच्छी बातें बोलने से तो गया, 4 ड्रायर मांग रहा। फ्राइडे मूड भाई, यही तो नहीं है मनीष का दोस्त जिसके दादाजी चल बसे है। ना आपके नहीं, बेटे पी तो तुम अपने बाप की रहे हो, लेकिन पीने के बाद जो इज्जत और नाम है वो दादा का खराब कर रहे हो। अगर भाई वो भी बंदा ऐसा ही था तो मनीष भाई तुमने एकदम सही फोन करा था। इससे ड्रायर नहीं, इसके जायदाद के घर के बंगले के हर चीज के कागजात मांग ले। अबे इधर शर्म ना आ रही यार, शर्म आया है साले सपने में आके ना दादा हंटर भेड़ेगा चूतड़ों पर और कुछ नहीं दे रहे। ओके गाइस, शॉप का है भाई वीडियो, जूते चप्पल बेचा है। साइज की सैंडल मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी ना भाई। 9 ने पैर देखा, 9 ने साइज पूछा, पर लड़की देखी कह रही हाँ सब मिलेगा मैडम आ जाओ। हैं बाल्टी, ये पैर धोगा इसके भाई। ये कौन सा तरीका है जूते चप्पल बेचने का भाई? हम लेने जा जूते तो पन्नी पहना के पहना देता है, जूते पैर गंदे भी दिखते हो तो थोड़े बहुत, तो उसे तो गंदे ही दिखते हैं। वैसे तुम्हारे पैर एकदम टिच भी होंगे ना तब भी कहेगा भैया पन्नी पहन लो यार, साले कुत्तों की जिंदगी। लेकिन भाई ये किस किस्म का जूते चप्पल बेचने वाला जो पैर धो के पहना रहा? बताओ भाई, ये 250 रुपए के सैंडल के लिए इसका इतना सारा पानी वेस्ट कर दिया इन्हें। ना मतलब मैं ये ना कह रहा 250 रुपए के सैंडल बेकार हूँ मैं भाई, बहुत बढ़िया हूँ मैं भी यही पहनू, मतलब ये वाले ही पहनू। पकड़ लिया साड़ू, कैसी मैडम? कैसी है मैडम? मैडम बहुत बढ़िया है। अबे पूछ मैडम सैंडल कैसी है, ये साला निहायत ही गंवार है भाई ये इंसान, और कुछ नहीं। आपको कुछ और भी चाहिए था क्या? भैया चाहिए तो अंडरवियर भी था, पर जितने प्यार से आपने मेरा पैर धोया है ना वो देखकर मन नहीं करा पूछने। नॉट सो फनी, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। भाई कॉन्डम मिलता है क्या? So guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हें आज के स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ। इस बार IPL सिर्फ देखो ही नहीं, अपने ओपिनियंस देके काफी सारे प्राइजेस भी जीतो Lotus365.in पर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जैसे हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस, इसी जैसे 50+ क्वेश्चंस पे तुम अपने ओपिनियन देके प्राइजेस विन कर सकते हो। Lotus365 पे रजिस्टर करो और पाओ 365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट। क्रिकेट से अलग 200+ जगह पे तुम अपने ओपिनियन दे सकते हो और 10 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे यूजर्स है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल जैसे इनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत करो, जाके रजिस्टर करो Lotus365.in पर। MeUNC says she discovered me from meme pages and not the 500 podcast I have recorded। अच्छा भाई ये हमारे वो हैं बियर वाले भाई से बले भैया, तो इनका मीम वो वायरल चल रहा है ऐसे मुंडी हिलाने वाला, उसका ही कुछ है। हाँ उसका रिस्पॉन्स बनाया ना, रिस्पॉन्स वीडियो सपोर्टिवली ले लिया लोंडे ने। रे
रुक जा के नागमणी लेके जाएगा पूरी। लेकिन बियर वाले भाई से पहले भैया मैं कह रहा ना, ये गांजा भूख के ना पॉडकास्ट लेने बंद कर दो पहले तो। सबसे पहले तो भाई पॉडकास्ट में बस चार चीजें चलेंगी, या तो सेक्स मतलब उसके ऊपर बात, या एलियन, या भाई भूत, या फिर आपने कभी एलियंस को देखा है? कैसा था एक्सपीरियंस? केंटारो खरीदने में ही ज्यादा समझदार। धुली हुई अशुद्धियां भी निकलती है और जरूरी मिनरल्स बने रहते। अभी पीछे बात चल रही थी ना तीन लड़कियों की, भाई वो इससे करेगा शादी। 10,000 रुपए बचवा गई उसके प्योरीफायर के, की तो इससे करनी चाहिए उसे शादी। मगर भाई किस किस्म का प्यार है यार, हमें तो ये समझ ना आ रहा। अरे ढंग से पी लो पानी, है कौन सा खेल चल रहा। इससे अच्छा तुम उसके मुंह में मुतो और वो तुम्हारे। भाई अगर इस कॉन्सेप्ट पे चलिए तो 2 लीटर पानी में पूरी जिंदगी बिता देंगे। जिंदा क्रिंज फैला रहे भाई ये लोग तो। क्रिंज ना यार, मतलब बढ़िया है, मजा आ गया देख के। लेडीज एंड जेंटलमैन, I think my brain just committed suicide. Dead body, it seems, wait for it. क्या सीन है भाई, मूवी का सीन है किसी देखो ये तो। ओ अच्छा, वो रही डेड बॉडी। भाई इतना लेजी तो मैं मेरे वीडियो का आउटरो एडिट करने में नहीं होता हूँ, जितना लेजी है एडिटर जिसने मूवी एडिट की है वो हो रहा था। भाई किस जल्दी में था, दूसरी पिक्चर एडिट करने जाना था क्या, जब भी टाइम से पहले मांग रहे थे। अरे यार लगता है बॉस का फोन आ गया। हेलो, हाँ जी बॉस। बॉस आज थोड़ा सा लेट उठा था ना, कल रात को दारू ज्यादा पी ली थी इसलिए ऑफिस से लेट नहीं आ पाया। मुनावर भाई मेरे चारों बहन से शादी कर लो। अरे साले भाभी जी ना जूता उतार के मारेंगी यही 2 करोड़ दहेज। भाई इतने बढ़िया बढ़िया बहन होते हैं क्या ना, मैं वैसे नहीं बोल रहा कि बहनों से शादी कराने बोल रहा हूँ बिचारों से। मतलब इतना डाई हार्ट फैन है ये सोचो वो। अरे भयंकर कमेंट तो बड़े बुरे बुरे हैं भाई, एकदम डैंक के चूहे बने हुए हैं सब। मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे कैंसिल होने का शौक नहीं है। भगवान यार जैसे मुनावर भाई की किस्मत पलटी तो ने मेरी भी पलट यार, जेल जाना पड़ेगा पहले ना सही। भाई इन मल्टी यूनिवर्स, अरे भयंकर क्या खतरनाक एडिट करी है। भाई इस टाइम तो पूरी रियलिस्टिक लग रही है। भाई का यार, भाई का प्यार भी प्यार अधूरा ही रह गया और कुछ नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार, साले अभी से एक जेना घर में घुस के तेरी घर तोड़ के भागेगा। ये अफवाह मत फैलाओ भाई की, ये सारी वीडियो जा भाई एडिट कर रहे काइंड मास्टर से बैठ के। ऐसा हो सकता भाई ने एक पेज बना रखा हो उसमें रोज रात कम में दारू पी के। अरे और है भाई और एडिट्स हैं। आए यार भाई लक कितने अच्छे रहे यार दोनों। आई एम नॉट क्राइंग, यू आर। थैंक यू की क्या बात है, आप तो हमारे अपने। भाई ये वाली एडिट दिखा देता हूँ, ले जाके मैं सल्लू भाई को एक दो फार्म हाउस मेरे नाम पर खरीदेंगे। मैं आ जाऊँ क्या? ऐसा करने वाले लड़के अच्छा जो मैसेज करके डिलीट कर देते हैं वो लड़के। हाँ ठीक है, लड़कियों का समझ में आता है उनका मूड स्विंग हो जावे, लेकिन ये लड़के जो करता है उनका समझ नहीं आता। अरे तूने मैसेज डिलीट करा तो करा भाई, जो बात बोल रहा था वो मुझे फिर से बता तो दे। मैं मान लिया तूने गलत वाला टाइप कर दिया होगा या फिर कुछ गलत गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन बाद में जो लिखा होगा मुझे कभी आने देख लिया। हाय रे धोखे से दिल देगा वो, दिल देगा वो, मगर इसका दिल देगी वो वाला सिस्टम होता तो ये इस गाने में डांस थोड़ी करता। अलग ही शोक हो रहा है भाई लोडो के यार आजकल। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। होते पैसे तो लेके तुझको खिलौने देता, होते पैसे तो लेके तुझको खिलौने देता, वरना क्या मैं अपने बच्चे को रोने देता। हाय यार कितना डीप है यार। हाय हाय, वरना क्या मैं अपने बच्चे को रोने देता, बाप है तो सच्चा है हर सपना। हाय मैं नागन डांस नचना, अबे यार भाई यार दिल तोड़ गया चाचा तुमने और कुछ नहीं यार। हाँ भाई इमोशनल हो रहा था भाई, अपने पिताजी के सारी सैक्रिफाइसेस याद करके और इन्होंने भाई जिंदा उस पे मूत के चले गई है चाचा और कुछ नहीं। सो हाई ऑन डाइट दैट यू फॉरगॉट कॉमन सेंस। ओके भैया क्या ये गन्ना गन्ने और रस की दुकान है भाई, गन्ने के रस की। हाँ भैया मत डालना ना शुगर कैन के जूस में, शुगर मत डालना। कौन सा सेंस भाई हो, दीदी का खोया हुआ दिमाग ढूंढ रहा हूँ। भाई एक काम कर, ये जो तेरा गन्ने निकालने वाली मशीन है ना, जो गन्ने तूने इसमें से निकाल दिए होंगे उनमें 1 लीटर पानी डाल, फिर इस मशीन में दोबारा डाल, जो उससे पानी निकलेगा वो पिला दे इसे, एकदम शुगर फ्री जूस गन्ने का। अरे मैं बताता हुआ क्या होगा ना, वो ऐसा होता ना जैसे नॉर्मल दुकान पे आके कहते हैं गन्ने के जूस की भैया मीठा मत डालना मसाला लगा देना। बाकी भाई ये जाना है, ये गन्ने वाला जाना है, मुझे इनसे लेना देना नहीं।